सितम गर ये कुर्बत क्या करें। बस बस ठीक है, हो गया, अच्छे से बांधने दे, खून नहीं रुक रहा। तुमसे सुफियान ने ऐसी कोई बात की थी? जी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपसे कहने का मौका ही नहीं मिला। अभी कल ही वो यूनिवर्सिटी आए थे ये कहने के लिए और मैंने साफ लफ्जों में उन्हें इनकार कर दिया था। अगर तुमने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था तो फिर उसने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मुझ पर शक कर रही हैं? अरे नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सुफियान ने अकेले ही इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया तुम्हारी और मेरी राय जाने बगैर। उसने भाभी और भाई से इतना बड़ा बैर कैसे ले लिया? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? मुमानी जान का बेटा है। मुमानी जान कब किसी की मर्जी का, किसी की राय का एहतराम करती हैं? उन्हें तो बस अपनी हुकूमत चाहिए होती है। सुफियान भी तो उन्हीं का बेटा है। मेरे इनकार करने के बावजूद मुझे यहाँ सबके सामने तमाशा बनाकर चला गया ताकि मैं यहाँ सबकी नफरतें सहूं और सवालों के जवाब देती रहूं। और फिर देखे ना, उनके घर छोड़ कर जाने का इतना असर तो हो ही गया। मेरी अपनी मामा भी मुझे शक की निगाहों से देख रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। एक कुदरती सवाल है जहन में आया तो मैंने पूछ लिया। ये सवाल भी तो जहन में आ ही गया ना। तुम परेशान मत हो, मैं जब सबसे बात कहूंगी तो सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि सुफियान का ये कदम उसका ज़ाती अमल है और तुम्हारा उसकी तरफ कोई रुझान नहीं है। आप कहेंगे तो वो लोग यकीन कर लेंगे। अंधेर नगरी चौपट राज में भी पसंदीदा लोगों की सुनवाई होती है, हम जैसे नापसंदीदा लोगों की नहीं। जिस तरह सच जाने बिना ही मुझे मुजरिम बनाकर कठेरे में खड़ा कर दिया गया, उसके बाद तो मुझे इंसाफ की किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। आराम करें आप। क्या कर रही हैं? लेटे रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92322733574 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।